So they can ice wine. Wow, so yummy. Set it. तैयार हो गया आपका तुम लोग फ्रूट से बता दो कैसा बनाया मैंने इतनी मेहनत से बनाया अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे चले आज क्या हो रहा है आज ये हो रहा है कि आज आ रही है सना और लाइबा वापस उन्होंने की फरमाइश खाने की तो चले जाके किचन में देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं है ग्रोसरी के लिए उसामा को भेजते हैं और कुकिंग शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या फरमाइश की उन्होंने खाना पकाने से पहले मैंने सोचा कि लेफ्ट ओवर से मैं खा लूँ पहले उसके बाद पकाती हूँ ये दाल है लेफ्ट ओवर मटन है लेफ्ट ओवर राइस भी लेफ्ट ओवर है रात के सब कुछ उसके बाद फिर मैं पकाने लगूंगी जैद आप भी आ जाए खा ले लेफ्ट ओवर मेरा मसला ये है कि फिर जब मैं पकाऊंगी तो मुझसे खाया नहीं जाएगा सो बेहतर अभी खा लूं उसके बाद पकाना शुरू करते हैं तो आपने आज क्या खाया संडे में लंच में मैं तो लेफ्ट ओवर खा रही हूँ जैद आ जाओ भी आ जाओ हेल्दी चीज भी खा ला पूरा नहीं मैं नहीं खा रही हूँ मैं खाने क्यों? बाद में खाऊंगी आप आ जाओ तो मैंने आज दोपहर का खाना स्किप करना है और सिर्फ ये इसलिए कि एक दवाई मैंने खानी है वो फूड के साथ खानी है जितने मैं फूड मिस करके बगैर उसके खाता हूँ तो वो मेरा दिल ऐसा नौजिया और दिल खराब और कच्चा पता नहीं क्या क्या अब ये आधा खा के गोली खा के फिर बाकी ऊपर से आधा खा एक ऑरेंज है एक एप्पल है नहीं नहीं जी कढ़ाई हो गई है तैयार इसमें जा रहे हैं प्याज थोड़ा सा ऑयल और मिक्स वेजिटेबल बना रहे सबसे उसामा को भेजा था मैंने आलू लेने के लिए सब टाइम सिंपल चीजें घर में नहीं होती थोड़ा सा डाला मैंने ऑयल इसमें और इसकी वेजिटेबल्स की रेसिपी मैंने बनाई हुई है आप जाके वहाँ पे मिक्स वेजिटेबल्स देख सकते हैं लेकिन फिर भी चलें ऐसे मोटे मोटे क्लिप्स आपको दिखाते जाते हैं तो एक्चुअली उनकी जो फरमाइश है वो मिक्स वेजिटेबल्स की नहीं है ये मैंने वैसे विंटर स्पेशल बना लिया सादा सा खाना विंटर स्पेशल की तरह बन जाएगा ये उनकी फरमाइश थी दोनों की सना और लाइबा की कि खिचड़ी बनाएं तो फिर मैंने खिचड़ी के साथ सोचा क्या क्या बनाऊँ मिक्स वेजिटेबल बनाती हूँ रायता अचार और सैलड और प्लस चिकन 65 वो बनाएंगे और मिल गया ये मिल नहीं रहा था पता नहीं ये दूसरा है वैसे वो वाला नहीं आपके प्याज आपने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा चलाना साथ ही डाल दें 2 बड़े साइज के टमाटर अब इसमें हम शामिल करेंगे स्पाइसेस सॉल्ट जा रहा है पिंक सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से मैंने 1 टीस्पून डाला है 1/2 टीस्पून हल्दी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ये भी आप हाउस पे टेस्ट आने क्योंकि हमारे घर बेबी भी है और वैद भी हैं थोड़े अच्छे स्पाइसेस हम कम 1 टीस्पून मैंने डाला है ज़ीरा इसमें बड़े सिंपल से मसाले इसके अंदर डालते हैं बस अब आप इसको भून लें अच्छी तरह से ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए और यहाँ पे मैंने लिए हैं आलू आलूओं को छील लिया है धो लिया है और इनके करेंगे स्मॉल किसी भी साइज़ के आप बना लें वो आलू को काट के इनको रख लें पानी में भिगो के रखें ताकि काले ना हों मैं इस तरह से क्यूब्स बना रही हूँ इसके और जब आपको लगे कि आपके स्पाइसेस बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं तो आपने क्या करना है आलूओं को 2-3-4 मिनट आप पहले से कर लें इसको ताकि अच्छे से गल जाए क्योंकि आलू पता है आपको अगर खड़े रह गए तो मुश्किल हो जाएगी उसके साथ ये सब भुन जाएगा उसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ओके 5 मिनट बाद थोड़े से सॉफ्ट हो गए आलू पूरे कच्चे नहीं हैं अब इसमें हम मिक्स वेजिटेबल जो कि मैं फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ वो डालेंगे आप अपनी कोई भी फेवरेट वेजिटेबल्स इसमें शामिल कर सकते हैं बंद गोभी साबुत गोभी फूल गोभी हर किस्म की कुछ भी शामिल कर लें शिमला मिर्चें और अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे कवर कर दें पानी वानी नहीं डालें कुछ भी इसमें
मैंने आलू में कोई पानी नहीं डाला, टमाटर का पानी है, खुद स्टीम का पानी हो जाएगा, तो कवर करके मीडियम लो पे मैंने छोड़ दिया ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से गल जाए। आप ये कमेंट करके बताएं कि आपके घर में कौन सी मिक्स वेजिटेबल विंटर में ज़्यादा बनाई जाती है और क्या शामिल करते हैं इसमें, कमेंट ज़रूर करें। आधे घंटे से मैं कसूरी मेथी उसमें ढूंढ रही हूँ कि कहाँ गई कहाँ गई, और वो मैंने पहले ही मसालों के साथ यहाँ निकाल के रखी हुई है। किस किस के साथ इस तरह होता है घर में। ओ माई गॉड यू ऑलरेडी अप, आई डिडन्ट इवन फिनिश कुकिंग। You want no? You don't sleep? Okay, don't sleep. Okay, give me hug. I know. मैंने सोचा पक जाए। जब 10-12 मिनट हो जाए आपकी सब्जियों को गलते हुए, तो मैंने चेक कर लिया, आलूओं को चेक कर लिया अच्छी तरह से। जाया भी आलू? नो सीपी, वो बस ये करके चली गई। हमें पता है तुम नहीं सीपी। हरी मिर्चें बड़ी साइज की काट के डाल दें, कसूरी मेथी ताज़ी हो या ड्राइड हो आपके पास, मेथी मतलब वैसे वो डोंट टच इट इज हॉट पापा, और बस इसको मैं कवर कर दूँगी। और मैंने साथ में अंडे बॉईल किए हैं सब्जी के लिए ताकि मेथी और हरी मिर्ची की खुशबू इसमें आ जाए। यहाँ पे मैंने खिचड़ी के लिए दाल और मसूर की दाल माप के निकाल ली, और अब इसको अच्छी तरह से धो लेंगे, खूब अच्छी तरह से धोएँ। अंडों की बारी आ गई। अंडे किसी तरह से भी काटने, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी भी शेप के आप काट के इसको इस तरह से रख दें, साबुत रख दें, जो भी आपको पसंद है। अंडे ख़ास तौर पे प्रोटीन से भरपूर होते हैं और सर्दियों में बेस्ट रहते हैं खाने के लिए, वैसे तो गर्मियों में भी खाया जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और यहाँ पर मैंने घी डाला है खिचड़ी के लिए, और अंडे डालेंगे, रखेंगे इसके ऊपर। अपना डिश वॉशर भी लोड करते जाएं, क्योंकि वो किसने करना है बाद में, हम नहीं करना है, तो करते जाएं साथ साथ। और यहाँ पे मैंने रखी है चाय इलायची मार के। ओ माई गॉड, ये किस किस के साथ होता है। एक सेकंड को मैं डिश वॉशर की तरफ मुड़ी और ये पूरी पलट गई। अभी हो जाता काम पूरा मेरा सफाई का, ज़्यादा रगड़ते रगड़ जली हुई चाय को। क्विकली क्लीन अप ऑल द टॉयज फॉर ज़ायरा, लाइट अप तक खेन दो ताकि डिनर रेडी होते ही लग जाए। यहाँ पे ऑयल गया कड़कड़ा, तो डाला हमने तेज पत्ता, लाल मिर्चे, तो थोड़ा सा कड़कड़ा लें, थोड़ा सा ये भुन जाए, तो बस इसमें हम प्याज शामिल करेंगे और प्याज डाल देंगे। लाल मिर्चों को मैंने थोड़ा साइड पे कर दिया क्योंकि उनको हमने जलाना नहीं। अब जाएगा इसमें प्याज को हल्का सा फ्राई कर लें। जब प्याज थोड़ा सा सॉटी हो जाए तो इसमें भर के 2 ही टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन की पत्ती डाल दें। तो जब ये फड़फड़ा चुके हैं तो तब इसे खोल लें, सब बढ़ा चुका खूब अच्छी तरह से। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, हल्दी में डालेंगे कलर थोड़ा है, आप पता है हल्दी वैसे भी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। साथ में डालें सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैंने पिंक सॉल्ट डाला, आप कोई सा भी जो भी आपका फेवरेट सॉल्ट है वो डालें। साथ ही इसमें डालेंगे दाल और चावल, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इस तरह से मिक्स करें। तो देखें हल्दी से कलर भी आ गया और इसका फ़ायदा भी हो गया, हल्दी का दोनों चीज़ें ही। अच्छी तरह मिक्स करें, थोड़ा सा इसको तेज़ आंच करके इसको फ्राई सा करें, और फिर इसमें पानी शामिल करेंगे। फिर खिचड़ी किसी के घर में पतली खाई जाती है, किसी के डिपेंड करता है, बीमारों के लिए बन रही है तो पतली बनाते हैं, लेकिन मैं इसको ज़्यादा पतली नरम नहीं करूँगी, मैं इसको ज़रा खड़ा खड़ा बनाऊँगी। अब इसमें आपने पानी कितना डालना है कि बस आपका 1 इंच पानी इस पर ज़्यादा, कम और ज़्यादा आप बाद में कर सकते हैं लेकिन कम डालें तो बेहतर है, और उसके बाद फिर आपने बढ़ाना हो तो बढ़ा लें। सो खाली 1 इंच पानी या एक जो आपकी फिंगर का ये लाइन होती है ना, उतना पानी होना चाहिए। सो पानी मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसको मैं कवर कर दूँगी। पानी का कोई मुश्किल नहीं होता, पानी आप बाद में भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं।
साथ ही यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं चिकन 65 की, क्योंकि कुछ मीट तो होना चाहिए, सारा वेजिटेरियन वेजिटेरियन कार्ब्स कार्ब्स हो गए, थोड़ा सा मीट भी हो जाए। तो करी पत्ता को फ्राई कर रही हूँ। सो देखें राइस हमारे, खिचड़ी देखें, ज़बरदस्त किस्म की खिचड़ी हमारी तैयार हो गई है। और यहाँ पे चिकन 65 भी ऑलमोस्ट रेडी है, इसकी भी रेसिपी मैंने पहले बनाई हुई है, तो अगर आप वहाँ जाके देख रहे हैं तो सो यमी, खूबसूरत सी खिचड़ी भी तैयार हो गई, मज़ेदार सी। सायरा अब खमें संभल करें, कॉस्को का मेरे पास है सैलड, सीजर सैलड जो मैं लेके आई थी, और इसको खाली मिक्स उस वक्त करेंगे जब खाएंगे, लेकिन इसमें मैंने ये चीज इनकी डाल दी है, टू टॉन्स है, यस आई एम कमिंग बाबा, और सामा गया है लेने के लिए सामा, और यस आई एम कमिंग, लग रहा है कुछ ज़्यादा ही हो गया तो, लेकिन अच्छा लग रहा है देखें। इनका सैलड बहुत अच्छा होता है अगर आपने ट्राई किया हो तो, खासतौर पर ये सीजर का भी इमरजेंसी हो, कोई पार्टी वार्टी हो, आप नहीं घर में बना सकते तो ये बनाएं, बहुत जबरदस्त सा बनता है ये देखें। उठो उठो उठो, दोनों डालूंगी क्योंकि बहुत सारा है ये, एंड वी मिक्स इट, इवन एक लेमन भी इन्होंने साथ में दिया हुआ है, तो जबरदस्त किस्म का ये देखें सैलेड तैयार हो गया आपका। वैसे मैं हमने तो खाया हुआ है पहले, होपफुली इनको भी पसंद आएगा, इन्होंने भी मेरे ख्याल खाया हुआ है पहले। ज़ायरा को मैंने ऊपर बंद किया हुआ है क्योंकि नीचे आपको पता है फिर काम नहीं करने देती, तो अभी मैं उसको लेके आती हूँ। चले जी, मजेदार किस्म का सब कुछ। ज़ायरा आप उस दिन कम्प्लेन कर रहे थे ना, ये कॉस्को का सैलेड भी बन गया। और उधर रस मलाई जो पैकेट वाली बात ज़ायरा, चलो दूसरा टाइम तुम लोग फ्रूट तो बता दो कैसा बनाया, मैंने इतनी मेहनत से बनाया। बहुत मेहनत लगी खिचड़ी में। देखो चिकन की भी स्टोरी बताते हैं।